अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिनल गॉड्स विद तारिक खान। आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने उन चीज़ों को देखना है कि एक गिटार परचेज़ करने के बाद, यानी अभी जो मैंने अपनी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड करवाई है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि गिटार को परचेज़ करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देन इसके बाद जब आप गिटार परचेज़ करके लेकर आ गए हैं तो आपने अब क्या करना है, यानी नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो क्या होगी, इसको आप अपना वेरी फर्स्ट लेसन कह सकते हैं गिटार परचेज़ करने के बाद। सबसे पहली चीज़ ये कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने गिटार के जो पार्ट्स हैं उनको सबसे पहले दिमाग में बिठाना है कि गिटार के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि आप जब गिटार प्ले कर रहे हैं या फिर आपने एक चीज़ परचेज़ कर ली है तो उसके बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके तमाम जितने भी पार्ट्स हैं उनको बोला क्या जाता है, उनको किस तरीके से पहचाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसको क्या बोलते हैं तो आप बस उसकी शक्ल ही देखते रह जाएंगे और आप बोलेंगे यार मुझे तो खुद नहीं पता। तो एक चीज़ जब आपने परचेज़ करी है या अगर आप सीख रहे हैं तो उसको डेप्थ के अंदर, यानी कि उसके डेप्थ में चले जाएं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि गिटार आपने परचेज़ किया, देन परचेज़ करने के बाद आपको उसके साथ क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज़ मैं ये आपको ये बता दूँ, देखें अगर आपने गिटार परचेज़ किया तो पहले नंबर पर जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो होगी ये पिक, यानी जिसको आप प्लेक्ट्रम बोलते हैं इसको बेसिकली, बट शॉर्टली हम इसको पिक कहते हैं। ये पिक, ये डिफरेंट किस्म की होती हैं, काफ़ी सारी अलग अलग किस्म की होती हैं ये पिक्स। तो यहाँ पर जो आपने परचेज़ करनी है, यानी जो एक उसके साथ जो आती है मेरे ख्याल से वो इस शेप की कोई देता है वो आपको, लेकिन आपने जो इसमें से लेनी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, यानी ये वाली जो है ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, ये देखें ये ऐसे ही मुड़ रही है। तो ये जितनी सॉफ्ट होगी उतनी अच्छी बात है, और जितनी हार्ड होगी उतना ही ज़्यादा आपको फिर प्ले करने में प्रॉब्लम होगी। तो एक सॉफ्ट प्लेक्ट्रम होनी चाहिए आपके पास, ये रही। देन सेकेंड थिंग इज़ दैट एक ट्यूनर, जो कि गिटार ट्यूनर होता है, इसका काम क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप गए हैं और परचेज करके लेकर आ रहे हैं चीज़ें तो तीसरी चीज़ जो होगी वो होगी आपका ये कैपो, ठीक है। कैपो दो किस्म के, तीन किस्म के आते हैं, काफ़ी सारे, दो तीन किस्म के होते हैं, एक इस टाइप का होता है और एक इस तरह का होता है। ये बेसिकली ये इस तरीके से जॉ की शक्ल होती है इसकी, और इसको इजीली आप होल्ड कर सकते हैं, और ये जो होता है इसके अंदर ये इस तरीके से ये ब्रिक्स बने हुए होते हैं और ये इस तरह से टाइट होता है। तो ये परचेज़ मत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा चीप है, ये जो है थोड़ा सा अच्छे मटेरियल में है, भी ये सॉलिड बॉडी में, मेटल बॉडी में, और वो प्लास्टिक का है। अच्छा, इसके बाद आपने ये जो हमारे पास एल की जिसको हम कहते हैं, ये होगी जो कि आपने साथ साथ ही इसके परचेज़ कर लेनी है। ये आपको 4 mm की मिलेगी, यानी इसका जो साइज़ होगा वो होगा 4 mm। इसका काम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी तमाम चीज़ों का काम बताऊंगा कि क्या क्या हमारे काम में आएंगी चीज़ें। अच्छा, देन इसके बाद एक स्ट्रैप जो कि इस तरह की होगी। अगर आपने चीज़ें जो परचेज़ करनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको, यानी एक पैकेज, कंप्लीट पैकेज क्या होगा, तो एक स्ट्रैप बेल्ट जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप इजीली खड़े होकर भी गिटार अगर प्ले करना चाह रहे हैं तो खड़े होकर भी प्ले कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, सबसे पहले नंबर पर जो पिक है वो, देन उसके बाद कैपो, थर्ड नंबर पर आपका ट्यूनर, देन एल की, उसके बाद ये बेल्ट। ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये एल की जो है बेसिकली उन गिटार्स के लिए जिसमें ट्रस रॉड होगी, वो मैं बता देता हूँ अभी आपको कि ट्रस रॉड कहाँ होती है। देखिए, ट्रस रॉड जो होती है वो बेसिकली गिटार के इस साइड पर होती है, यानी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये
ये आपको अंदर एक होल नज़र आ रहा है छोटा सा, ये रहा, ये इसमें फिक्स होती है ये रही। और इससे होता क्या है कि आप अपने नेक को, यानी आपका जो ये नेक होता है, आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक्शन जो है वो हाई हो गया है या एक्शन आपका लो है, गिटार बजिंग कर रहा है, तो उसके अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं घर में। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपने कितना उसको उठाना है और कितना गिराना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जब एडजस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा नेक जो है वो ब्रेक हो जाता है यहाँ से, इस जगह से। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि यहाँ से अक्सर ये जॉइंट होता है, इस जॉइंट से नेक ब्रेक हो जाता है या फिर इस जगह से नेक ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसको आपने एडजस्ट नहीं करना, जो स्टैंडर्ड आपकी मौजूद है ट्यूनिंग आपने वही रखना है। बाकी ये कि जैसे जैसे आप चीज़ों को देखते जाएंगे, आपको प्ले करना आएगी, आप एक इन्वायरमेंट में बैठेंगे, लोगों के साथ जैमिंग वगैरह करेंगे, तो आपको तमाम चीज़ें खुद ब खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। या फिर अगर आप ने इसकी एडजस्टिंग करवानी भी और बजिंग हो रही है, तो आप किसी भी म्यूज़िक स्टोर पर लेकर जाएंगे गिटार अपना, और वहाँ पर जो है वो आपके सामने ही वो टाइट करके दे देगा आपको, जो भी आपकी ट्रस्ट रॉड होगी। तो आप एक बार देख लेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें इसको एडजस्ट करना है। अच्छा, फिर इसके बाद बात होती है जो ट्यूनर है, ये ट्यूनर का काम क्या होता है। ट्यूनर का काम ये है कि देखिए, जो हमारी गिटार की स्ट्रिंग्स हैं, हमारा जो गिटार होता है ये टोटल 6 स्ट्रिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम इसको तार या वायर नहीं बोलेंगे, हम इसको स्ट्रिंग्स ही बोलेंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड नेम है हमने वही रखना है अपने पास से, कुछ इसको उल्टे सीधे नाम नहीं देने। तो इस ट्यूनर का काम इतना होता है कि अभी गिटार का जो साउंड है वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में आ रहा है। वजह यही है कि गिटार जो है वो एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग के ऊपर मौजूद है। किस वजह से? जस्ट इस ट्यूनर की वजह से। तो इस ट्यूनर का काम क्या है, किस तरीके से आप गिटार को ट्यून करेंगे, ये मैं नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर आता है कैपो। कैपो क्या काम करता है? कैपो बेसिकली आपके ये जो गिटार का कंप्लीट फ्रेटबोर्ड होता है, अभी मैं ये भी बताने वाला हूँ आपको कि गिटार के जो पार्ट्स होते हैं उनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, बट अभी जो गिटार की चीज़ें हैं जो इसके साथ साथ आप परचेज कर लेकर आए हैं, आपने उनको भी देखना है कि उनके काम क्या है, मेजर कॉन्सेप्ट क्या है उनका। तो होता ये कि हम इस कैपो को इस जगह पर, यानी कि अपने ये जो कंप्लीट यहाँ वाला एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कंप्लीट एरिया के अंदर कहीं पर भी होल्ड कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट किसी भी फ्रेट के ऊपर इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या काम करता है ये भी मैं भी आपको बता देता हूँ। देन इसके बाद जो पिक है, प्लेक्ट्रम, उसका काम क्या होता है, वो जस्ट आपको एक प्ले करने में मदद देती है, जो कि आप राइट हैंड में अपने उसको होल्ड करते हैं, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड में उसको होल्ड करेंगे। देन इसके बाद जो बेल्ट है, बेल्ट से होगा ये कि आप साइड सी बात है कभी अगर खड़े होकर गिटार प्ले कर रहे हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प देगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम गिटार के तमाम पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं गिटार के सबसे टॉप वाले पार्ट से, यानी ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये कहलाता है गिटार का हेड स्टॉक। ये हेड स्टॉक क्या काम करता है, इसके अंदर जस्ट सिर्फ और सिर्फ कीज़ जो हैं, यानी कि ये जो आपके पास कीज़ हैं जिसके अंदर तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो होल्ड हुई हुई हैं, ये तमाम कीज़ कहलाती है। एक गिटार में 6 कीज़ होती हैं जो स्टैंडर्ड गिटार होता है, 7 कीज़ वाले भी आते हैं और 12 कीज़ वाले भी आते हैं, यानी कि 12 स्ट्रिंग्स गिटार जो होंगे, जितनी नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स होंगी उतनी नंबर ऑफ़ कीज़ होंगी, ठीक है, सबसे पहली चीज़ का ख्याल। अच्छा, इसके बाद यानी आप इसको ट्यूनर भी बोल सकते हैं और ट्यूनिंग कीज़ भी बोल सकते हैं, ट्यूनिंग की या फिर ट्यूनिंग कीज़ ओवरऑल जितनी भी हैं सारी, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं नीचे, ये तमाम स्ट्रिंग्स जहाँ से गुजर रही हैं इस वाले वाइट पार्ट से, ये वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, बहुत सारे कलर्स इसके होते हैं, बट ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है आपका नट, यानी ये जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं इसके ऊपर से होल्ड, यानी इसके ऊपर से गुजर रही होती हैं, और ये इनको स्ट्रिंग्स को क्या करता है, जस्ट मदद देता है इस फ्रेट बोर्ड से उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। तो इसलिए ये जो आपका ये जो पार्ट होगा नट वाला पार्ट, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है। देन इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक की, यानी ये वाला कंप्लीट एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया ये कहलाता है नेक, ये गिटार का नेक, ठीक है। ये हेड स्टॉक हो गया, ये कीज हो गई, ये नट हो गया, ये नेक है। अब नेक के ऊपर वाला जो पार्ट है
ये जो कंप्लीट ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है फिंगर बोर्ड या फिर फ्रेट बोर्ड। ये फिंगर बोर्ड या फ्रेट बोर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंप्लीट यहाँ तक, नेक यहाँ तक है आपका, और यहाँ तक जो ये फिंगर बोर्ड और फ्रेट बोर्ड आप इसको बोल सकते हैं, फिंगर बोर्ड या फिर फ्रेट बोर्ड, ठीक है। देन उसके बाद ये जो अलहदा अलहदा से कुछ निशान आपको नज़र आ रहे हैं ये उभरे हुए, ये वाले, ये वाली जगह, ये जो ये ऊपर की साइड से तो बड़े हैं और नीचे आकर के ये छोटे से छोटे से छोटे से छोटे और नीचे आकर के बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं, तो ये कहलाते हैं आपके फ्रेट्स। यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये पहला फ्रेट है, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो सेकेंड फ्रेट, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो थर्ड फ्रेट। अच्छा, अब ये थर्ड फ्रेट है, इसको किस तरह से काउंट करेंगे हम? वो जो मदद देगा वो देगी ये वाली फ्रेट मार्किंग, यानी इसको आप बोलते हैं फ्रेट मार्क। ये जो डॉट्स होते हैं ना वाइट वाइट कलर के, ये रहे, ये 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 और यहाँ पर दो, तो ये फ्रेट मार्क्स कहलाते हैं। ये है थर्ड नंबर पर, ये एक पहला मार्क जो मिलता है आपको वो थर्ड नंबर पर मिलता है। अच्छा, यही मार्क्स आपको यहाँ टॉप पर भी मिलेंगे, ये रहे, ये देख सकते हैं आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर दो मार्क्स हैं, इधर भी आपके पास दो मार्क्स हैं, इसका मतलब ये 12 फ्रेट है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फ्रेट्स हैं। देन इसके बाद, अच्छा, अगर मैं इस वाले फ्रेट की आवाज़ और इस वाले फ्रेट की आवाज़ बोलूँ तो बिल्कुल सेम होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है एक आपका समझ लें एक ऑक्टिव बोल सकते हैं आप इसको, ये एक ऑक्टिव है यहाँ से यहाँ तक। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है वो समझ लें इसी का कॉपी पेस्ट है नीचे, बस ये थोड़े से लोअर लेवल पर है और ये थोड़े से हाई लेवल पर है, ठीक है। अच्छा, देन अब आगे मूव करते हैं, आगे मूव करने पर आपको एक शेप मिलेगा जो कि ये वाला शेप है जो कि नीचे से कट हुआ हुआ है, सही है। एक गिटार बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल गोल शेप में होते हैं नीचे से, उसमें होता ये है कि अगर आप एफ शेप का गिटार ले लेते हैं तो आपको नीचे तक आप इजीली उसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका एफ शेप का गिटार नहीं है तो आप उसको फिर भी प्ले हो सकता है, बट उसके लिए आपको इस तरीके से उसको प्ले करना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो ज़्यादातर कोशिश ये करिएगा कि एफ शेप का गिटार हो तो ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए आसानी है, और अगर एफ शेप का नहीं है, नॉर्मल गिटार है, तो उसमें भी आप इजीली प्ले कर सकते हैं, नो इशू। अच्छा, देन इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये सर्किल आ रहे हैं, ये रहा ये सर्किल आ रहा है, ये कंप्लीट, इसको कहा जाता है रोजेट। यानी कि रोजेट के अंदर क्या होता है कि ये डिज़ाइन होता है कुछ जो कि हर गिटार अपने लिए एक अलग डिज़ाइन बनाता है और इसका कोई काम नहीं होता बेसिकली, जैसे ये सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ाइन के तौर पर दिया जाता है। फिर इसके बाद ये एक नीचे वाले ये वाला पार्ट आता है जिसके ऊपर आपको ये निशान दिख रहा है, ये एक प्लास्टिक चढ़ी हुई है इसके ऊपर जो मैंने नहीं उतारी क्योंकि ये न्यू गिटार मैंने परचेज़ किया था। अच्छा, ये जो है ये कहलाता है पिक गार्ड। पिक गार्ड क्यों कहलाता है? इसमें जो हमारे पास प्लेक्ट्रम होती है जब हम उसको प्ले कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आते हैं निशानात, तो इन निशानों को बचाने के लिए इस पिक गार्ड को लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम इस जगह की बात करें जो एक ये होल आपको नज़र आ रहा है, ये साउंड होल कहलाता है। देन इसके बाद हम नीचे अगर आ जाएं तो ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज पार्ट कहलाता है। अब ब्रिज के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं, यानी कि ये वाली जो एक जगह है, ये जो आपको वाइट वाला नज़र आ रहा है, ये कहलाता है सैडल, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो कहलाती हैं ये तमाम, ये कहलाती हैं ब्रिज पिंस। ब्रिज पिंस का काम क्या होता है? इसके अंदर स्ट्रिंग्स होल्ड हुई हुई होती हैं, यानी स्ट्रिंग्स को होल्ड करके रखता है ये वाला पार्ट। और इसके अलावा ये जो कंप्लीट है ये कहलाता है ब्रिज, बाकी ये कंप्लीट बॉडी है। और ये स्ट्रैप होल्डर होता है, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा नीचे, जिसके यहाँ पर नहीं है तो वो यहाँ पर नेक के अंदर भी होल्ड कर सकता है उसको, इधर हेड स्टॉक पे। तो ओवरऑल बॉडी आपकी कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसके अलावा 6 स्ट्रिंग्स हैं और 6 की 6 जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनके अपने अपने अलग नाम होते हैं। जब मैं ट्यूनिंग वाला लेसन आपको आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें मैं स्ट्रिंग्स के नाम भी बताऊंगा आपको और कौन सी स्ट्रिंग्स आपने परचेज करनी है, ये भी तमाम चीज़ें मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा, डिस्कस कर देंगे कर लेंगे हम लोग। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो जो रिव्यू मैंने आपको दिया है गिटार के हवाले से। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ हों उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। मेरी इस वीडियो को और उन तमाम वीडियोस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो गिटार परचेज़ करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, या फिर जो गिटार प्ले करने के या परचेज़ करने के शौकीन हैं।
इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक मौजूद हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।